ये देखो सामने रोड है। मॉर्निंग दोस्तों, तो काफ़ी समय बाद ये ब्लॉग लेकर के आ रहा हूँ। तो भाई ये ब्लॉग खास है, खास इसलिए है कि कम से कम 7 साल बाद हम सारे दोस्त आए हैं ट्रिप पर और दोबारा मनाली जाना हमें स्पीति है। तो पहला स्टॉपेज था मनाली का, यहीं रुके हैं होटल में। भाई पहले मैं अपना ये रूम का पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको। ये धीरज है और होटल ये विला रिवेरिन है, मनाली माल रोड से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये देखो भाई रूम बढ़िया है। ये पूरा व्यू है, डबल बेडरूम है और इसके चार्जेस आई थिंक 1500 रुपये ना धीरज। यहाँ पे टोटल ना 3 रूम लिए हुए हैं, हम 7 लोग हैं, 3 रूम लिया है तो 1 बेड एक्स्ट्रा लिया है। पे हैं। बाकी जो मेन यहाँ का व्यू पॉइंट है वो दिखाता हूँ आपको, जो सबसे बढ़िया चीज है ये पूरा बादल जो है पूरे पहाड़ों में देखो सामने एकदम ट्रैप सा ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रैप हो रखा है। ये नदी थोड़ी सूखी है, ये DRO BRO वाले काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा व्यू है। कि हाँ ये हम आए वीकडेज पे, तो आज फ्राइडे का दिन है तो इसलिए लोग थोड़े कम हैं क्या मतलब ना के समान ही समझो हैं। बाकी वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बारिश है, मौसम थोड़ा वैसा ही है तो कम लोग आई थिंक टूरिस्ट जो है मुश्किल 10-15% के आसपास आए हुए हैं। बाकी भाई अगली ट्रिप हमारी स्पीति लग रही है अटल टनल होते हुए, तो वहाँ पहुँच रहे हैं फिर आगे वहाँ मिलते हैं। बाकी अभी हम लोग थोड़ा तैयार वगैरह हो जाते हैं। भाई लोग तैयार हो रहे हैं। ये सौरभ भाई जब तक ये लोग तैयार हो रहे हैं तब तक मैं आपको बाकी के 2 रूम और दिखाता हूँ। ये 201 है, ये कुछ वॉशरूम कुछ ऐसा है इसका, कई बड़ा है, बढ़िया है, साफ किताब है। ये टेलीविजन मिला है चाय कॉफी के लिए, सब कुछ अच्छा है। ये यहाँ से ऐसा व्यू है, ये देखो ये रहा विला रिवेरिन। तो आपको ले चलता हूँ जो पहला कमरा है इसका, जहाँ भागवत वगैरह वेट कर रहे हैं। और शुभम, ये शुभम तैयार हो रहा है और ये भागवत भाई कितने सालों बाद आ रहे हैं हम लोग दोस्त वापस यहाँ इस ट्रिप पे? 10 साल हुआ, अराउंड 10 साल। भाई ये देखो रूम तो अच्छा है ना, रूम बढ़िया। कितना पॉइंट देगा इसको, 10 में से 10 में से 6? खाने के लिए इसका पॉइंट कम हो जाएगा ना, खाने में तो 10 में से 2 ही दूंगा, खाने में 10 में से 2 भाई ठीक है। वॉशरूम जो है ना वो सबके अच्छे हैं, काफी बड़े हैं। ये देखो इसके दे रहा व्यू जो है हर जगह, 3 रूम है, तीनों के एक जैसे ही है। तो बाहर का सबसे अच्छा इसका जो है गैलरी पॉइंट है जहाँ हम लोग रात में रुके थे, बाहर का वो अच्छा है, पूरा स्पेस अच्छा है। यहाँ पे जो बैठना है करो, शोर बस थोड़ा सा परहेज रखना पड़ता है, पहाड़ एरिया है, गंदगी वगैरह ना हो इसका ख्याल रखना पड़ता है। ये होटल रिवेरिन ठीक है, उसके बाद नीचे जाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे के लिए ट्रिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई बने रहो वीडियो के साथ। भाई फाइनली हम लोग तैयार हो गए, ये चल रहा है दोस्तों का फोटोशूट, भाई यहाँ चल रही है फोटोशूट पूरा। बस कर सौरभ बहुत हो गया। भाई हम चेकआउट कर रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 9:50 का। ये बिलिंग कराते हुए फाइनल
ये रहा पूरा व्यू। कल रात हम लोग यहीं बैठे थे, यहीं बैठ के डिनर किया था। सौरभ चल। ये भाई ये लोग करेंगे लेट। अब भाई बैग वगैरह उठाओ, अभी है काफी समय। आजा चल चल, चल। ओ भाई सौरभ आजा तू भी। अब तो उठा तो अपना बैग। अब चल रहे हैं, ये सारे बंदे जो हमारे रेडी हो चुके हैं। ले रहा भाई फोटो, पहले ये तो ले ले। प्रीतम कहाँ गया? शुभम प्रीतम कहाँ है? ये भाई वो हमारी गाड़ी खड़ी है, अब निकल रहे हैं। ये मेरा सामान गेट सही से लगा। ये सारी गाड़ी चल। चलो भाई चल रहे हैं, चलो गाड़ी वगैरह लॉक कर दिया है, सामान रख दिया है। और अब बाहर ही एक है छोटा सा दुकान है चाट टपरी वाला, उसी से ब्रेड आमलेट वगैरह बनवाएंगे। दुकान पे आ गए हैं, ये रहा पीछे दुकान। एक अंडा ऑमलेट का दिया है ऑर्डर, तीन पीस मंगा रहे हैं, रेट दे रहा है 70 रुपये में बटर का, बटर के साथ। उठा ले भाई, ऐसा है कुछ मामला। तीन ऑर्डर किया था तो दो अभी खा लेंगे और एक जो है हम पैक करा लेंगे। चल भाई सौरभ ठीक है आ। ये चल रहे हैं, चलो भाई अपनी गाड़ी में चले आराम से भाई आराम से। अब निकलते हैं, सफर नाश्ता वगैरह हो गया, अब चलते हैं अगले सफर पे। चल ठीक है। ओ भाई अब चल रहे हैं, कहाँ स्पीति ना जाने के लिए हम लोग तैयार। ये प्रीतम, प्रीतम भाई स्टार्ट कर दे। पीछे गौतम भाई, हेलो गाइस। चलो भाई दिखाते हैं अब आपको रोड, अटल टनल लगा रहा हूँ, अटल टनल। और गणपति बप्पा मोरया। अंदर टी शर्ट नहीं पहना भाई? चलो भाई हमेशा इसको टी शर्ट के ऊपर पहनना चप्पल। ये देखो सामने रोड, ये यहाँ से लेकर एक डेढ़ किलोमीटर तक ये ऐसा ही है पूरा। आगे तो लेकिन ये लास्ट कुछ टाइम पहले यहाँ पे बाढ़ आया था तो उसी वजह से ना सारे रोड बह गए थे, तो उसके काम चल रहा है यहाँ पे पूरा। देख लो क्या हालत हो रखी है, अभी 2 किलोमीटर तक ऐसे ही चलने वाला है पूरा। जो लोग सोलांग जाते हैं ना वो अपने जाने के लिए जो सामान वगैरह है वो यहीं से लेकर आते हैं। ना वो तो यूपीए करना पड़ेगा।